कंपनी का रुपया, तो हम लोगों के साथ जुड़कर राजनीति के माध्यम से और लोगों की सेवा करें। अब हमारी बहनें आई हैं, आपको आया आपको से आपके मन में आएगा कि भी सेवा वैसे कर लेते हैं आप राजनीति के माध्यम क्यों? तो राजनीति जो है हमारे बाबूजी कह गए राजनीति केवल है बहाना है। बहाना ऐसे है कि राजनीति के माध्यम से जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो घर घर जाकर के इनके सबके गांवों में गया गया हूँ, नहीं गया आपके गाँव में मैं गया हूँ, कहा मेरे बाबू गए, मेरी माँ गई है, मेरी बहन गई है। अब जब इनके गाँव में जाते हैं, घर घर जाते हैं, शहर में जाते हैं, गाँव घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके जब वोट मांगते हैं तभी इनकी हिम्मत होती है हमारे घर में आने की। अगर मैं आपके यहाँ नहीं आऊँ आपको दिया होगी पहले घर मेरे घर में फंस गया जो मारा कर आई हो ये को टाटा बिरला अडानी अंबानी की दुकान जाओ जाओगे बोले जाओ ठीक है ना। इसके ये बहाना है ताकि हम लोगों के सुख दुख में जुड़े। जब सुख दुख में जुड़ते हैं तो एक रिश्ता बनता है। तो हमारा इस इलाके से 30 साल से पुराना रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने के लिए आपके बीच में उनका बहुत कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी करने के लिए आदमी को ताकत चाहिए। हमारी सबकी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद, आपकी आशीर्वाद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं आपके बीच में आया हूं क्योंकि मेरी मां समान हमारे यहां से लोकप्रिय विधायक, बहुत ही बहादुर लोकप्रिय विधायक, पूर्व मंत्री कमलेश दादा जी यहां से चुनाव लड़ रही और नरसिंह दादा जी के साथ बाबू जी के बहुत पुराने रिश्ते हैं। मेरे चुनाव के अंदर कमलेश दादा जी ने, भाई चुनाव ने, पूरे परिवार आप सब लोगों ने दिन रात एक किया, दिन रात एक किया, यहां से फिर भी कभी रही पूरे कराया तबके से फिर भी कभी रही, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार आप लोग उस कमी को पूरा कर दोगे और आप यहाँ से कमलेश दादा जी को क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जब सरकार बनेगी नायब सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और किसी किसी के मन में ये डाउट आ जाता है, डाउट आ जाता है कि विनय जी दूसरी पार्टी आ गया है, ये है वो आ जाता है। तो आप बताता हूँ हरियाणा की जनता ने तो पहले ही मत बना चुकी है, आपने तो पहले ही वोट दे चुकी है हरियाणा की जनता, किसको दिया? मोदी जी को। और इतिहास इस बात पर गवाह है कि आपने भी सड़ी का कहना जी हरियाणा को बने तो भी आपको कानपुर शहर में आपको विशेष करके आपको बता रहा हूँ हरियाणा को 57 साल हो गए, 57 साल के अंदर केवल 2 साल 87 से 89 तक फिर अंदर समय था जिस समय अलग अलग सरकारें थी, केंद्र में कांग्रेस थी और यहाँ पे लोकदल थी, वरना 57 में से 55 साल जो सरकार केंद्र में वो सरकार हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के लोग पहले सवाल देते हैं, हरियाणा के लोग केंद्र को उसी सरकार को बनाते हैं जिस सरकार को हरियाणा लेके आना होता है, कि नहीं बात। और आज जब केंद्र के अंदर इतनी मजबूत सरकार और भारत के नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ सबके मन में बात थी, घर घर में मन मन घर घर के अंदर बात थी कि भाई राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए थी कि नहीं, भाई आपने कभी बता बताओ तो किसने पूरा कह रहे हो? और कोई माइक ना बन सके ना और कोई पार्टिकल्स कह रही अच्छा फिर हम सारी याद बोलया करते कि नारा 370 गाँव नारा 370 गाँव बोलया करते नहीं बोलया करते किसने रहेगा ये सारे काम करने का बाद और इसके घने तौर पर रखे और उसके बाद क्या करेगा हरियाणा के अंदर एक पिछड़े समाज के गरीब घर के बेटे को एक किसान के बेटे को पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को हरियाणा की पाक समाज उसके मुख्य सेवक बना दे नायब सैनिक को आपने घने मुख्यमंत्री देखे हैं देखे हैं अभी हरियाणा के बात कीजिए कि भी देखे मुख्यमंत्री बने 40-50 नायब सैनी जी जैसा सादगी भरा इंसान जो कोई देखा भी आपने किसने
अभी बता रहे थे कि तुषार भी कह रहा था, इसलिए ये मौका होता है हमारे को पीछे नहीं रहना, जहाँ का बिरादरी से ऊपर उठ के हम जो है पकड़े टाटा जी के यहाँ सिखाएं, ताकि सरकार में हमारी हिस्सेदारी, मंत्री तो ये पहले भी थी, इसलिए आप कोई विधायक बनाओगे नहीं, आप मंत्री को चुनने जा रहे हो, मंत्री को जो आप लोग लोगे। और बहन जी क्या, मैं कभी बड़ी बहन को कभी आदमी गाँव भी बोल देता है, बहन भी बोल देता है, इसलिए हम मिल करके यहाँ के विकास के लिए, क्योंकि कलायत जो है जितने मेरे नौ के नौ विधानसभा हल्कों में जो कलायत विधानसभा हल्का है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज्यादा विकास की आवश्यकता है, यहाँ ज्यादा काम करने की जरूरत है, लेकिन हमारे को विकास के कामों में इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। मेरी आपसे विनती है, जैसे बताया आपने दो हफ्ते दिए गए, कितने दिन लगे, तो दो हफ्ते रहे, अब दो हफ्ते जो है अपन मित्रा एक कर दो, दो हफ्ते मित्रा एक करेंगे, ये संदेश मैं भी जाऊंगा, मैं भी जगह जगह जहां जहां पर बेनती लगेगी मैं भी सब जगह जाऊंगा, जाकर के मैं भी बोलूंगा और आप भी, क्योंकि चुनाव अब ये अपने टाटा जी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है नवीन जिंदल का, चुनाव है नायक संदेश को लेकर के हम लोगों को जाए और जोड़ करके, ताकि हमारी जीत हो। तो मेरा जो रणा है ना, मेरा जो रणा है कराया हल्के से वो भी पूरा हो, क्योंकि मैंने तो ट्रैक मॉडल कसर छोड़ी नहीं, पर हमने इस बार कसर आपकी पूरी कर दी, इसलिए मैं आप सबका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सबने और मेरे साथियों का, नौजवान साथियों का इतना सुखन जो है मोटरसाइकिलों के ऊपर लोगों ने बड़ा स्वागत किया।